दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके, और इस रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब्ड हो जाएं, और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों, मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाए करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, क्या काम करना है, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप खोल लीजिएगा। खोलने के बाद आप कैसे काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है इस एप्लीकेशन में, जैसे ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन धीरे धीरे खुल रही है। यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से या फिर किसी से भी कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ कार्टूनिस्ट टेम्पलेट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में आपके जो इमेजेस हैं वो शो होने लग जाए, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना। अलाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे दो ऑप्शन है, एक कैमरा का ऑप्शन है, एक गैलरी का ऑप्शन है। गैलरी के ऑप्शन पे जाके आपको अपना कोई फ़ोटो चूज़ करना है। तो चलिए मैं एक गैलरी पे जाके अपना फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक डाउनलोडेड फ़ोटो है जो मैंने चूज़ कर लिया। अब इस फ़ोटो को थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोस्तों वो फ़ोटो था जो टेम्पलेट थी वो थोड़ा जूम होगी तो उस तरीके से यहाँ पे निखर के आएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फ़ोटो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इस फ़ोटो को थोड़ा कार्टूनिस्ट फॉर्म में बना देगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगेगा और आपको बहुत ही बेहतरीन कार्टूनिस्ट फॉर्म आपके इमेज का मिल जाएगा। आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको आप देख सकते हैं जो फ़ोटो हमने चूज़ किया था वो किस तरीके से यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से आप इसे मैंने अलग अलग ऐप से लोन लिया है बट नीडर, और इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे काफ़ी पसंद आई, डेफिनेटली आपको भी ये एप्लीकेशन पसंद आएगी। इसे क्रॉस कर देते हैं, देख सकते हैं जो फोटो हमने चूज़ किया था वो किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को लग रहा है। आपको यहाँ साइड में देख सकते हैं किस तरीके से फ़ोटो था और अभी ये किस तरीके से देखने में लग रहा है। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शन है, ओके दोस्तों, इन ऑप्शन पे जाके मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज़ होंगे। अभी ये एक सेकेंड गलती से ऐड पर क्लिक हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग मोड, या तो आप यहाँ पे खुद अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, या एनिमेटेड का ऑप्शन है, एनिमेट GIF का, वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे नीचे इस तरीके से, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करना है आपने, और क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो फ्री वर्जन यूज़ कीजिएगा, अगर किसी पे प्रो लिखा हुआ तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली ही सारे फीचर्स यूज़ कीजिएगा। तो सारांश ये है इस एप्लीकेशन का, अगर आप अपने किसी फ़ोटो को कार्टूनिस्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। नीचे बहुत सारे फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये एप्लीकेशन पसंद आएगी। पसंद आई हो अगर ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग टिप्स, ट्रिक्स और नई नई वीडियोज़ में नई नई ऐप्स के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।